वो तो था ही। ठीक है चलो एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करिए। टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, प्रूफ करना है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। और होमवर्क क्या दिया था आप लोगों को? एनसीईआरटी का दिया था। सर्वेश बोल रहा है कुछ नहीं दिया था। अबे सर्वेश क्या बोलता है? हाँ सर सॉरी दिया था। चलो सॉल्व करो। अरे सीधा ए और बी प्लस सी को कंबाइन करके बनाओ।
डन सर। अरे क्लियर है ये? यस सर। यस सर। सर वो थर्ड स्टेप कैसे किया? कौन सा स्टेप बताओ? सर वो 10a into 1 minus 10b into 10। एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम लेना आता है ना, ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये चीज ऊपर चली जाएगी, है ना? हाँ सर। हाँ सर। सर थोड़ा तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तुम बिल्कुल छोड़ दिए हो फिलहाल, पता है? कॉपी कर लिए? नहीं सर।
डन सर डन सर रब करें सॉल्व करो कैसे करोगे ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करो और टू साइन ए साइन बी प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला लगाओ
हो गया सर। हेलो। हाँ सर हो गया। हाँ कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर टू दिया, यहाँ पर टू दिया और यहाँ पर टू दिया, यहाँ पर टू दिया, यहाँ पर टू दिया और यहाँ पर टू दिया, है ना। अब बताओ टू साइन ए साइन बी कितना होता है? cos a minus b minus cos a plus b ए प्लस बी प्लस, बोलो कितना आएगा, कॉस 3a - 6a - cos 9a, यहां तक क्लियर है? प्लस यहां बताओ कॉस 9a - cos 17a, यहां तक क्लियर है? पहले प्लस होगा ना, क्या हुआ? मतलब cos a plus b minus cos a minus b ना? नहीं ना, cos a minus b minus cos a plus b होता है ना, टू sin a sin b का फॉर्मूला चेक करो। ओके सर। फिर टू sin a cos b, इसका बताओ क्या होगा, टू sin a cos b क्या होता है, sin a plus b plus sin a minus b, तो क्या आ जाएगा, sin a minus b कितना आ जाएगा, sin of minus a which is माइनस साइन ए प्लस टू साइन ए कॉस बी, बताओ कितना होगा, टू साइन ए कॉस बी कितना होगा, बोलो। साइन नाइन ए माइनस साइन थ्री ए प्लस कितना होगा बताओ, साइन सेवनटीन ए माइनस साइन नाइन ए, कोई बोलता ही नहीं है, कुछ कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, यहां पर क्या कटा, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर में क्या बचा, कॉस ए माइनस कॉस सेवनटीन ए, नीचे में क्या आएगा, साइन सेवनटीन ए माइनस साइन ए। अब बताओ मुझे कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, टू साइन माइनस टू साइन माइनस टू साइन ए माइनस बी, तो 8a आ जाएगा और साइन 9a आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, टू साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, तो ये कट जाएगा, साइन माइनस नाइन आएगा। हाँ ये सही है ना, बड़ा आ जाएगा ये टेन नाइन है। और वो इससे पहले में कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर नहीं आ रहा, क्या वो कौन सा, बोलो सर्विस क्या बोल रहे हैं सर, इससे पहले किया था ना वो टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला, नीचे वाले सर वीडियो लैग हो रहा है, उसको वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टेन से का मल्टीप्लाई करने बैठ गए। हेलो, वीडियो लैग हो रहा है। हाँ नेट हो रहा था सर, अभी ठीक नेट, दो मिनट के नेट गया था शायद, अभी आ जाएगा, देखो आया क्या। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर्वेश, देखना तूने क्या किया है ना, तूने जो एलसीएम लिया है तो टेन ए इंटू, तो तेरा जो मल्टीप्लाई होगा, हाँ सर,
तेरा मल्टीप्लाई बस इससे होगा ना, वन से। तूने पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तू खोलेगा इस वाले टर्म को, तेरा नीचे में तो बस वन से मल्टीप्लाई होगा ना, तूने पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया है। वन माइनस टेन बी इंटू टेन से थोड़ी ना होगा, इसको कॉपी करो। सर थोड़ा साइड हो, रब करे। यस सर, एक मिनट। हो गया सर, कर दो। टैप करूं क्या? यस सर। ये करो खुद से, cos 2a cos 3a माइनस cos 2a cos 7a प्लस cos a cos 10a बाई sin 4a sin 3a माइनस sin 2a sin 5a प्लस साइन फोर ए साइन सेवन ए इज इक्वल टू कॉट सिक्स ए कॉट फाइव ए। इसमें भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले?
सर अब बोलो सर वो फर्स्ट वाले में 1 माइनस टेन बी इंटू टेन सी का स्क्वायर हो जाएगा ना फर्स्ट वाले में 1 माइनस टेन टू टेन सी का स्क्वायर होगा ना होल स्क्वायर नहीं भाई मैं वापस करता हूँ उसको ये वाला कर ले लो पहले डन सर डन सर कैसे करेंगे वापस से टू 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 दिया ओके ना टू कॉस ए कॉस कॉस टू ए थ्री क्या होगा हरिशल क्लास में है टू कॉस टू ए कॉस थ्री क्या होगा बताओ हेलो हेलो यस सर टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी कॉस फाइव ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस इसका बताओ कितना होगा कॉस नाइन ए प्लस कॉस फाइव ए प्लस क्या होगा बताओ cos 11a plus cos 9a cos 9a नीचे में 2 sin 4a sin a क्या होगा sin 3a cos 7a minus cos a cos 7a minus cos a minus cos 7a minus cos 3a plus cos 11a minus cos 3 minus cos 3a तो क्या क्या कट गया cos 5a कट गया cos 9a कट गया और नीचे में क्या कट गया cos 7a कट गया cos 3a कट गया ऊपर क्या बचा cos a plus cos 11a नीचे में cos 11a minus cos a ठीक है सर 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या था मेरे पास लिखा होगा नहीं लिखा हुआ है सर लिखा है लेकिन गलत मतलब पहले प्लस किया फिर पहले माइनस किया फिर
ये होता है पर तो ऐसे डिनोमिनेटर में तो पहले कॉस से कॉस से पहले आना चाहिए था ना। हाँ बच्चों लोग मैं तो सोचा ही देखा ही नहीं, तो बोला बच्चा बोल रहा है मैं लिखते चला गया। नहीं सर मैं बोल रहा था मेरे कोई और cos 3a cos 7a cos 3a माइनस कॉस 11a क्या क्या माइनस हो जाएगा अभी यहाँ पे क्या था। हाँ अभी क्या क्या माइनस हो रहा है हट रहा है cos 3a कट गया और cos 7a कट गया। ऊपर क्या बचा है cos a माइनस cos 11a और नीचे क्या बचा है सर वही बचा है। वही नहीं बचा है ना cos a माइनस cos 11a ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा 2 cos 6a और नीचे में 2 साइन 5a और साइन 6a ठीक है। तो आ गया ना फिर 2 कट गया क्या बन गया cot 6a और cot 5a ये क्लियर है। यस यस सर। रैप करें। यस सर। चल मैं उसका सर्वेस का वापस से देखता हूँ क्या गलती कर रहा है और क्यों कंफ्यूज हो जा रहा है इतना ज्यादा। सर्वेस क्या दिक्कत है तुमको बताओ बेटा। टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू तुम एलसीएम ही गलत ले रहे हो तुम्हें क्या करेगा देखो यहां पे क्या आएगा टेन बी प्लस टेन सी बाई 1 माइनस टेन बी टेन सी और यहां पर क्या आएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी प्लस सी। कोई मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ना इससे दिखाता है बार बार 1 माइनस टेन बी टेन सी। यहां तक क्लियर है सर्वेश yes, यहां तक क्लियर है। अभी इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में टेन ए इंटू 1 माइनस टेन बी टेन सी प्लस टेन बी प्लस टेन सी नीचे में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहां तक क्लियर है। सर्वेश बोलो तुम फिर क्या कह रहे थे। देखो अभी मल्टीप्लाई करोगे टेन को 1 से और यहां पे तो बन गया ना फिर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी 1 माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन ए टेन सी। क्लियर है ये। सर्वेश क्लियर है सर। दो मिनट
हो गया सर। सॉल्व करो। क्या है पहले का वैल्यू? माइनस वन। कैसे किया? 10 45 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 45 इंटू 10 थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 10 135 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 135 इंटू 10 थीटा 10 145 कितना होता है? 1। और 10 135 कितना होता है? माइनस वन। डाल दो वैल्यू, क्या आ गया? 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा इंटू माइनस 1 प्लस 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 थीटा। ये इससे कट जाएगा और इससे कट के माइनस वन आ जाएगा। ये क्लियर है? दूसरा वाला करो।
सेकंड हुआ क्या? हर्षल सेकंड हुआ? नहीं सर। क्रिस्टीन सेकंड हुआ? हेलो सर, हो गया? हो गया ना? कैसे करेंगे बताओ? सर टेन को सर मैंने अलग से देखा। आ रहा हूँ, और तुमने जो मैं उसको आता हूँ सही कर देखता हूँ, पहले मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? फाइन, अभी एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या बन रहा है? कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू। नीचे में क्या आ गया? कॉस ए बाई टू। अब बताओ ऊपर में क्या लिखा हुआ है? कॉस बी प्लस साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस ए माइनस बी। कॉस ए एंड कॉस ए बाई टू, ये और एक कट गया, कितना आ गया? वन बाई कॉस ए। अरे सर्विस, वो स्टेप वाइज स्टेप क्या होता है, सॉल्व करना है इसलिए वो स्टेप। टेन ए प्लस बी हमारे पास तीन का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो इसलिए कर रहे हैं उसको, B प्लस सी को अलग से पकड़ के। तुमने कैसे किया क्रिस्टीन इस क्वेश्चन को? सर मैंने tan 2a वाला फॉर्मूला डाला tan a की जगह। हाँ वो भी अच्छा है। 2 tan a by 2 upon 1 minus tan square a by 2। तो tan a का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a by 2 by 1 minus tan square a by 2 into tan a by 2, ठीक है? अभी ऊपर लेके एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 minus tan square a by 2 plus 2 tan square a by 2 divided by 1 minus tan square a by 2, हमारा ऊपर में बन जाएगा 1 plus tan square a by 2 by 1 minus tan square a by 2 which is 1 by cos a। ये भी अच्छा तरीका था, बढ़िया। रब करें सर, 1 plus tan a tan b, ये tan a minus b का डिनोमिनेटर होता है, तो मैंने किया कि tan a minus a by 2 upon tan a minus tan a by 2 करके किया, मतलब बस उसको चेंज किया था। चलेगा चलेगा चलेगा। सर कर दो रफ। सॉल्व करो,
अरे सर्वेश, सर्वेश हाँ सर, अबे तू अभी तक टेन वाले क्वेश्चन पे ही है मेरे भाई। हाँ सर। तो बाकी जो बोर्ड पे चल रहा है क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है सबको? तो वीडियो में देख के करो। अबे तो टेन वाला तो मैंने तीन बार कर दिया, तुम अजीब क्या लिख रहे हो, तुम सब गलत सर। वो क्या समझ में नहीं आ रही है चीज यार, ये तो बीच में मल्टीप्लिकेशन कौन रखता है वेरिएबल्स के बीच में, कौन लिखता है 11th क्लास में ए बी को ए इंटू बी, कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता है। तूने वापस जो मुझे करके भेजा है वापस गलत करके भेजा है। अब बोल क्या करना है मुझे, सर्विस बोल क्या करूं मैं, बोल। अरे सर्विस बोलेगा फिर से इमेज भेजेगा 10 मिनट बाद यही क्वेश्चन करते हुए। सर्विस यहां तक क्लियर है? अरे बंदा कैसा है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको, तो क्या दिक्कत है, तो बोलता भी नहीं है यार। सर्विस क्लियर है यहां तक? सर्विस है ही नहीं मीटिंग में शायद। क्या कर क्या रहा है, टाइम पास कर रहा है बैठ के, मैं तो सॉल्व करूंगा बाहर में यार। पता नहीं क्या कर रखा है, दो बार सॉल्व कर दिया भाई। साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा। अरे हुआ क्या ये? यस सर। कैसे कैसे करेंगे बताओ सर? साइन टू थीटा को एक्सपेंड करेंगे। बढ़िया, साइन टू थीटा को एक्सपेंड करेंगे। जो क्वेश्चन चल रहा है बोर्ड पे वो ध्यान दो सर्वेश, पहले एक क्वेश्चन पकड़ के बैठे रह गए हो और तो चौथी बार कर रहे हो फिर भी गलत कर रहे हो। नीचे में क्या करें सर? टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस वन करेंगे। अभी वन वन कट जाएगा, ऊपर से साइन थीटा बाहर आ गया, क्या आ गया? 1 प्लस टू कॉस थीटा, और नीचे में से कॉस थीटा बाहर निकाल लिए और क्या लिखा है 1 प्लस टू कॉस थीटा, ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? टेन थीटा। सर्विस अगर डाउट है तो फिर तुम पूछ सकते हो बोल के, ठीक है? अभी ये व्हाट्सएप का काम करो क्लास के बीच में, जो चीजें सीधा पूछो मुझसे, क्या दिक्कत आ रही तुमको? ये सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन। क्लास में तो है बोलता ही नहीं। अरे सर्वेश क्लास में है तू? सर बोलो। थर्ड स्टेप एक्सप्लेन करो ना वापस। कौन सा? ये वाला स्टेप? हाँ ये वाला स्टेप। नहीं उसके नीचे वाला। ऊपर में से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया,
इसमें से साइन थीटा बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, वन प्लस टू कॉस थीटा बचेगा ना। हाँ सर, और नीचे वाले में से हो गया। हाँ अरे आर्या एपी टू कौन है, आर्या भगत है क्या? यस सर। तेरी सेट क्लास थी अभी? सर इलेवन का, इलेवन तक थी, इलेवन थर्टी तक। अच्छा, और आर्या एम कौन है? आर्या एम कौन है, ये फादर एंगल वाली है? हाँ सर। तू भी लेट आई क्लास में क्यों? सर वो मैसेज नहीं देखा। हुआ क्या सेकंड वाला? हाँ सर। सेकंड वाला कैसे करेंगे बताओ? सर साइन थीटा बाय टू, साइन टू थीटा बाय टू माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, फिर दोनों को खोलेंगे। इसको ऐसे लिख देंगे, वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा को सेम ही क्वेश्चन हो गया, वन माइनस कॉस थीटा क्या होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और साइन थीटा को लिख देंगे टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, और नीचे में वन प्लस कॉस थीटा क्या लिख देंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और साइन थीटा को लिख देंगे टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। यहां तक क्लियर है? ऊपर में से टू साइन थीटा बाय टू बाहर निकाल लो, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बाय टू प्लस कॉस थीटा बाय टू, और नीचे में टू कॉस थीटा बाय टू क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, ये और एक कट जाएगा, टू और टू कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा बाई टू, वैल्यू विल बी टेन थीटा बाई टू। लैप करें इसको? यस सर। लैप करें इसको, बोलो। एक मिनट। हाँ सर।
रैप करें? यस सर। चलो ये सॉल्व करो। सॉल्व करो। Thank you.
क्रिस्टीन हो गया क्या? रूही हुआ? रूही? यस सर। हो गया? एक मिनट। आकांक्षा? यस सर, कर रही। हो गया? अरे करो करो करो। हो गया सर। हो गया सर। हाँ कुछ नहीं करना है, ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ पहले, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, टू साइन ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री ए प्लस बी बाई टू, आपका हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी कॉस दिस माइनस दिस ए प्लस बी, ए प्लस थ्री बी ए माइनस बी, बी माइनस ए ना, कैसे भी लिखो, टू बी माइनस ए आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ बी माइनस ए आ रहा है। नीचे में आओ, टू साइन टू ए प्लस टू बी बाई टू, ए प्लस बी कॉस टू ए माइनस टू बी, तो ए माइनस बी, टू टू कट गया, ये और ये कट गया, क्यों कट गया, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये पहले ही बता चुका हूं मैं तो, है ना, कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, साइन टू ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी, विच इज हाउ मच, टू साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी, इतना क्लियर है क्या, ये और एक कट गया, वैल्यू इज हाउ मच, टू कॉस ए प्लस बी, रब करो। Yes.
हेलो सर, वो फर्स्ट का आंसर अलग आ रहा है। कौन से फर्स्ट का? टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला। तुम गलत कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा बताओ। जब मैं एक बार बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो कॉपी क्यों नहीं कर रहा है उस चीज को? मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो पहले पे जुड़ा हुआ है डेढ़ घंटे से और तेरा सारा मिस होते जा रहा है। ये क्या तरीका है पढ़ने का? मैं रख करूँ क्या इसको? यस सर। फर्स्ट का तो मैं फर्स्ट का मैं वापस सॉल्व करूंगा। मैं क्या कर सकता? मैं वही सॉल्व कर सकूंगा बार बार। तेरे को नहीं समझ में आ रही तो फिर एक लिमिट के बाद तो मतलब आई एम हेल्पलेस ना यार। तुम बोर्ड पे ध्यान से देखते, जब बात बात करूंगा गायब हो जाओगे बीच में। अजीब अजीब क्वेश्चन है कि ऐसे क्यों लिखा। अरे यार ब्रेक करना है इसलिए लिखा। तुम मुझे बताओ, अगर अगर तुमको समझना है तो अभी तुम मुझसे बात करो, बोलो क्या दिक्कत है यहाँ पे तुमको, मुझे स्टेप बाय स्टेप दिक्कत बताओ। फिर चुप हो जाओगे यार तुम अजीब। सर्वेश भाई बोलो अभी। सर लास्ट आंसर मेरा tan a plus tan b plus tan c upon 1 minus tan a into tan। वो तो तू तू तो छोड़ दे। तू तो यार तू तो मतलब बेकार कर रहा है। तू फालतू इतना यहां तक ध्यान दे अभी। अब बिल्कुल कंसंट्रेट करके बोर्ड पे देख। tan b plus tan c कोई स्टेप नहीं समझ में आता है वापस यहीं पर पूछ। वापस से करने मत बैठ जा। पता नहीं कौन सी मैथ्स पढ़ा है तूने अभी तक यार। क्या तेरे को यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अच्छा अभी जब एलसीएम जाएगा तो ऊपर एलसीएम लेने आता है नहीं आता है? हाँ सर आता है। तो लो एलसीएम बताओ क्या बनेगा। टेन ए इंटू वन माइनस, तुम बेवकूफों की तरह पता नहीं ऐसे क्यों लिख रहे हो। टेन बी टेन सी को ऐसे कौन लिखता है मुझे मालूम ही नहीं है। टेन बी इंटू टेन सी ऐसे फालतू में कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो। तीन बार कर चुका हूं बोर्ड से कॉपी कर ले आप यार। टेन बी प्लस टेन सी, अब बोलो यहां पे क्या दिक्कत है तेरे को यहां तक जो तूने किया है उससे मैच करके बता मेरे को क्या दिक्कत है यहां तक। अब चुप हो जा। पता नहीं क्या समझा यार। ये और एक कट गया। अगला स्टेप भी करूं। टेन ए मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, टेन ए बनेगा और टेन बी टेन सी बचा हुआ है तो क्या आ जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी डिवाइड बाय क्या आएगा? वन माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए माइनस टेन बी टेन सी टेन बी टेन ए। सर्विस क्लियर है अभी? हाँ सर। केतन क्या बोल रहा है? कॉपी कर सर्विस तू फिलहाल इसको। आपने कल का वो ग्रुप वो यूट्यूब पे सेंड किया क्या वीडियो? कल कौन सा लेक्चर था मेरा? कल नहीं सर, लास्ट लेक्चर मतलब। हाँ तो आपने ग्रुप पे नहीं भेजा? ग्रुप पे क्या भेजू मतलब? मतलब डायरेक्ट प्लेलिस्ट से लेना है ना? हाँ जाओ चैनल पे तुमको अपलोड होते जाएगा, क्या दिक्कत है? ओके सर, नहीं सर वही पूछ रहा था। सर्वेस कॉपी कर लिए? कर।
जब करें हेलो रब करूं दो मिनट सर सर हो गया ना देखो कैसे करेंगे दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं जब भी पावर फोर वाली चीजें आती है ना ठीक है सो व्हाट यू शुड डू इसको ऐसे लिखो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये क्लियर है क्या हेलो हाँ सर ये क्लियर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इतना क्लियर है क्या हाँ सर यस सर ठीक है तो अब बताओ क्या हो जाएगा टू इंटू ये क्या वैल्यू है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है वन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इतना क्लियर है इस टू को अंदर ले लिए तो क्या लिखा है बताओ टू माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा टू माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बोलो क्या होगा इसको ये लिख सकते हो ना टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हेलो यस सर यस सर टू थीटा का होल और ये क्या होता है टू माइनस साइन टू थीटा का स्क्वायर है ना और अब इसको लिख दिया वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा बोलो और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा क्वेश्चन क्लियर अच्छे से हाँ सर समझ आएगा पावर फोर कैसे करेंगे चलो ये बताओ ये वाला कैसे करें बताओ तो लेट्स डिस्कस दिस क्या करें बताओ कैसे प्रोसीड करें
अरे ए प्लस बी द होल क्यूब. इसमें अपन वो फॉर्मूला लगाए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है फॉर्मूला. यस. तो इसको मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, है ना. तो क्या लिखा जाएगा बताओ. वो वाला नहीं यूज करेंगे, वही प्लस बी द होल क्यूब. वही यूज कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा कॉस पावर फोर थीटा साइन पावर फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. अरे समझ में आया. यस सर. ए क्या है कॉस स्क्वायर, है ना. अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है वन होता है. यहां पर वापस आ गया ना पावर फोर. कैसे करें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. बोलो यहां तक क्लियर है. यस सर. इसकी वैल्यू कितनी है वन, है ना. और ये क्या लिखा हुआ है वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है. यस. अभी इसके बाद क्या करूं बताओ. वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या करूं बोलो. इंटू फोर डिवाइड बाई फोर. इंटू फोर डिवाइड बाई फोर क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री बाई फोर थीटा साइन स्क्वायर टू थीटा. समझ में आया. अरे क्लियर है क्या. हाँ सर. चलो ठीक है. सो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको. मैं होमवर्क डाल देता हूँ ग्रुप पे. ठीक है. ओके. एग्जाम्पल 14 डिस्कस किया था आप क्या कि नहीं किया था डिस्कस. एग्जाम्पल 14 हो गया सर. सर लास्ट के नहीं सर. हो गया. डन सर. होमवर्क भी दे दिया मैंने. ठीक है चलो. हमने कॉपी कर लिया है कि नहीं कर लिया. एक मिनट सर. हाँ कॉपी कर लो अच्छे से. कोई दिक्कत नहीं. कॉपी कर लिए. यस सर.
चलो ठीक है।